मंडी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा ही साफ हो गया है और चारों ओर बीजेपी की लहर दौड़ पड़ी है। वहीं अनिल शर्मा विधायक के दोबारा विधायक बनने पर मंडी भाजपा में भी खुशी की लहर है। पंडित सुखराम ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी वीरभद्र सिंह की वजह से छोड़ी है, क्योंकि वीरभद्र सिंह द्वारा उनका बार बार अपमान किया गया है, जिसे उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है, वह उनके अपमान का ही नतीजा है। सुखराम ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस में रहकर भी विकास के कार्य करवाए हैं और भाजपा में आकर भी विकास के कार्य करवाएंगे। उन्होंने कहा कि लोगों ने उनकी ईमानदारी को देखा है और तभी वे भाजपा में शामिल होने पर भी उन्हें विजय बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि वे विकास के दम पर ही विश्वास रखते हैं, तभी जनता भी उनके साथ कदम कदम पर मिलाकर खड़ी हुई है। राहुल जी की जो रैली थी उसको अटेंड करने के लिए तो यहाँ जब आया, कुमार शिंदे मेरे दोस्त भी थे, तो उनसे मैंने कहा भी मैं रैली में आया हूँ और भाई रोड पहुंचा मैं, यहाँ 11 घंटे में लगते हैं। तो उन्होंने कहा भाई अगर पंडित सुखराम आएगा तो मैं बाइकआउट करूंगा। तो मैंने ये सोचा भाई कि बाइकआउट क्यों करे, मैं गए नहीं फिर। तो उस वजह से मैं तो वीरभद्र सिंह को जानता था, मगर मेरा बेटा अनिल शर्मा ये नहीं पहचान सका उनको। तो जब मेरा उन्होंने अपमान किया तब अनिल को यह हुआ, फिर उन्होंने कहा भी नहीं अब तो गुर्दन हो रही है। तो फिर हमने तय किया कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। और मैंने तो जब मैं यहाँ रहा उस और कांग्रेस कैंडिडेट के भी उस और हिमाचल विकास का कांग्रेस के कैंडिडेट के भी, तो मैंने अपने क्षेत्र में कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि यहाँ कोई अपोजिशन उस टाइम के भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं। पंडित सुखराम ने मुख्यमंत्री की बात को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री का फैसला तो हाईकमान करेगी, लेकिन वे चाहते हैं कि मंडी से सराज के विधायक जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हो। तो भाजपा की इस चीज को आप क्या मान के चलते हैं? नए परिवार में शामिल हुए थे वहाँ के, मैं तो आप